नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर के आलमपुर कनेटा का, जहां एक युगल प्रेमी ने पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब ग्रामीण सुबह टहलने गए तो उन्होंने देखा कि एक प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटका है, तो गांव में कोहराम मच गया और पुलिस को प्राथमिक सूचना दी। थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। स्थानीय लोगों की माने तो परिवारजन इस प्यार के खिलाफ थे। युगल प्रेमी ने इस नाराजगी के चलते ये कदम उठाया और अपने प्राण त्याग दिए। ये अकलपुर गांव है, ये थाना मठसेना के अंतर्गत। यहाँ पे एक बाग है, बेरी का बाग। वहाँ पे दो शव मिले हैं जो एक पेड़ से लटके हुए थे। इनके बारे में पता किया गया तो ये पास के ही गाँव के करीब 1.5 किलोमीटर दूर है इस बाग से वो है। और इनके बारे में भी पता लगा है कि इनका आपस में प्रेम प्रसंग था और किन कारणों से इन्होंने ये आत्महत्या की है पेड़ पे लटक के। इस संबंध में सारी पड़ताल की जा रही है और जो भी इसमें चीज़ें आएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये आत्महत्या ही ऑनर किलिंग तो नहीं है? अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इन्होंने ये हैंगिंग का ही मामला है और इन्होंने अपना दोनों एक साथ पेड़ पे लटके हुए हैं। आप पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और घर वाले जो जैसा कि बता रहे हैं कि इनमें आपस में प्रेम प्रसंग था काफ़ी दिनों से और लड़की की शादी कहीं तय हो गई थी और इसीलिए इन्होंने कदम उठाया है। इसमें गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। लड़की 16 तारीख से गायब थी, क्या कोई तैयारी दी थी परिजनों ने? थाने पे कोई सूचना नहीं थी इनकी, एक स्वयं अपने स्तर से ही उसको खोज रहे थे। और जो लड़का है वो दिल्ली में कहीं होटल में काम करता है और आज इनको सुबह जो है जो एक बगीचा है गाँव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर वहाँ पे दोनों लटके हुए मिले। थैंक यू। पटवारी से मारपीट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पटवारी संघ ने ज्ञापन सौंपा। 3 दिवस के अंदर आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो पूरे मध्य प्रदेश के पटवारी कलमबंद हड़ताल करेंगे। बीते 15 अगस्त को पवई विकास खंड के हल्का नंबर 13 हीरापुर में पदस्थ अशोक प्रजापति के साथ ग्राम सभा के दौरान सुंदरलाल लोधी द्वारा मारपीट और गाली गलौज कर अपमानित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पटवारी द्वारा सिमरिया थाने में की गई थी और मामला दर्ज हो गया था। किंतु अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पटवारियों में भय का माहौल व्याप्त है। जिस बात को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील इकाई पवई द्वारा जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार पवई को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में स्वतंत्र लटौरिया, राजेंद्र सोनी, सुनील गर्ग, अर्जुन सिंह, सरमन कोदर, माधव सिंह, रजिया बानो, रामशंकर रावत, शिवधानी कोदर, वैभव जैन, मुकेश सिंह, सुनील जड़िया, राम मिलन प्रजापति, मूरत सिंह आदि पटवारी मौजूद रहे। आज दिनांक तक पटवारी के खिलाफ जो मारपीट हुई थी उसमें आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस समय गिरदावरी का कार्य है, पटवारी को फील्ड पे जाना रहता है। यदि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा घटित होंगी तो पटवारी के मनों में जो भय का वातावरण है उसको दूर नहीं किया जाएगा तो पटवारी अपने सास की दायित्व का निर्वहन कैसे करेगा। इसी संबंध में सीमांत पुलिस अधीक्षक एवं हमारे कलेक्टर साहब को पटवारी संघ को भाई ने ज्ञापन प्रेषित कर ये सूचना दी है कि पटवारी के साथ जो मारपीट करने वाला आरोपी है उसको जल्द से गिरफ्तार किया जाए। यदि गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाती है तो पटवारी संघ क्या क्या कदम उठाए? 3 दिवस में यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो पटवारी संघ पूरा मध्य प्रदेश पटवारी संघ और पूरे प्रदेश भर में कलमबद्ध हड़ताल पर जाने का विचार कर रहा है। घटना थी गाली लगनी घटना है, हालांकि मामला दर्ज है लेकिन संबंधित व्यक्ति भी गिरफ्तार है और जो पटवारियों की मांगे हैं कि संबंधित को गिरफ्तार किया जाए। मैं भी अपने वरिष्ठों को सूचित करूंगा और जो साथी अमला है पुलिस विभाग का भी, सभी यही अपेक्षा रखूंगा कि जल्द से व्यक्ति को पकड़े और आवश्यक कार्रवाई जो है की जाए। सत्ता के उचेहरा से पति के साथ ससुराल जा रही पत्नी के सनसनीखेज अपहरण के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा पाया गया, जिसे एक सोची समझी रणनीति के तहत कट्टे की नोक पर अंजाम दिया गया। मामले में पीड़ित पति के बयानों के आधार पर मामला कायम किया गया। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने पत्नी का अपहरण करने वाले उसके आरोपी प्रेमी के साथ पत्नी को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने इस मामले पर प्रेमी के साथ देने वाले एक अन्य फरार साथी को भी आरोपी बनाया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बीते दिवस सतना के नई बस्ती निवासी नवविवाहिता रिंकी यादव अपने पति श्रवण के साथ उचेहरा स्थित अपनी ससुराल जा रही थी। जैसे ही दोनों उचेहरा के पहले लगर गवाह के पास पहुंचे तभी महिला का प्रेमी देवेंद्र यादव अपने एक अन्य साथी के साथ दोनों का रास्ता रोक लिया। तभी देवेंद्र ने महिला के पति श्रवण के सर पर कट्टा अड़ा दिया
और डरा धमका कर उसकी पत्नी को लेकर फरार हो गया। प्रथम दृष्टया मामला अपहरण का प्रतीत हुआ, पर जैसे ही पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा नजर आने लगा। पुलिस की माने तो रिंकी और आरोपी देवेंद्र के पिछले 2 सालों से प्रेम संबंध थे। रिंकी श्रवण से शादी नहीं करना चाहती थी, यही वजह है कि शादी के बाद भी देवेंद्र से उसका प्रेम संबंध जारी रहा। बीते दिनों देवेंद्र ने अपनी प्रेमिका के साथ यह षड्यंत्र रचा और रास्ते में ही पति को डरा धमका कर दोनों मौके से फरार हो गए और इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया गया। पुलिस की माने तो मामले पर देवेंद्र और रिंकी दोनों ही दोषी पाए गए हैं। इसके साथ देवेंद्र का एक अन्य साथी भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने देवेंद्र और उसकी प्रेमिका रिंकी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही देवेंद्र के पास से वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल होने वाला कट्टा भी 2 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया है। वहीं तीसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। देखिए, कल सतना पुलिस को डायल 100 में एक सूचना मिली कि एक महिला को कट्टा दिखा के दो लोग बाइक में आके अपहरण करके ले गया करके। तो संबंधित थाना के प्रभारी उचैरा थाना प्रभारी और हमारे एडिशनल एसपी भी मौके पे पहुँचे। जो महिला के पति है उससे बात किया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और बाकी सबूतों के आधार पे पुलिस ने जाँच किया और आज सुबह पुलिस को उसमें सफलता मिली। महिला और मुख्य आरोपी को मोटरसाइकिल में चलते हुए रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया है। पूरी विवेचना में ये चीज़ सामने आ रही है कि जो मुख्य आरोपी है, जो यादव है, देवेंद्र यादव है, रीवा के रहने वाले हैं, उनके साथ महिला का पूर्व से ही 2 साल से ही रिश्ता, मतलब एक दूसरे को जानते थे वो। उसके पश्चात शादी महिला की हो गई, उसके बाद भी ये लोग एक दूसरे से बात करते रहे। रात में भी बहुत लंबे कॉल्स थे उनके, CDR जब कॉल डिटेल्स जब देखा गया तो फिर उन्होंने ये षड्यंत्र बना के पति के सामने उसको डराते हुए महिला को ले जाने के पूरा प्लानिंग करके आया था। तो अभी पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, महिला को क्योंकि वो भी षड्यंत्र में शामिल थे उसको भी गिरफ्तार किया है, और पति जो है जिसको कट्टा दिखाना, रास्ता रोकना और उसको धमकी देना, इन धाराओं पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पूरे प्लानिंग में जो पूर्व से भी उससे फ़ोन पे बातें होते रहते थे, घर से निकलने से पहले सूचना आरोपी को मिला था, फ़ोन को गए थे उसको उसकी महिला की घर से। तो ये सब देखते हुए पूरा मामला जो है, और जिस तरह से महिला गाड़ी में बैठ के गई बिना ज़्यादा कोई विरोध के, और जब आज गिरफ्तार करने पुलिस पार्टी जब उनको रोके थे तब महिला के अकेले आरोपी के पीछे मोटरसाइकिल में अपनी मर्जी से बैठा हुआ, तो ये पूरा बात दिखाता है कि पूरा प्लान्ड था और षड्यंत्र रचाए थे, तो इसलिए इस आधार पर उनको भी गिरफ्तार किया। IPC की 365, 120B, 34 IPC और 341 IPC के अंदर अभी उनको गिरफ्तार किया गया। सतना जिले की रामपुर बागलान तहसील में पटवारी संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अगस्त को न्यायालय तहसील रामपुर बागलान में सुदामा दाहिया बनाम जगदीश सिंह सकीम गाड़ा के प्रकरण की सुनवाई के दौरान जगदीश सिंह के अधिवक्ता RB सिंह द्वारा संबंधित हल्का पटवारी कमल नयन मिश्रा पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर पटवारी संघ में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। पटवारियों ने अपने ज्ञापन पत्र में लिखा है, पटवारी हल्का गाड़ा कमल नयन मिश्रा पर एडवोकेट RB सिंह द्वारा अभद्र टिप्पणी न्यायालय के समक्ष की गई, जिससे पटवारी को मानसिक रूप से आघात पहुंचा है और इस तरह का व्यवहार अन्य पटवारियों के साथ हमेशा अधिवक्ताओं के द्वारा आए दिन किया जाता रहा है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। पटवारियों ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि तहसीलदार के समक्ष पटवारियों की उपस्थिति में एडवोकेट RB सिंह अपने द्वारा किए गए कृत्य की माफी मांगे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से ओम नारायण गौतम, कमल मिश्रा, राम विश्वास साकेत, सोनल गौतम, रुबीना खान, राजकुमारी, कल्पना वर्मा, सुचिता मिश्रा, पुष्पराज सिंह, प्रगति शुक्ला, ज्योति पांडे, रवि तिवारी, प्रभाकर, संदीप सिंह, धर्मेंद्र सिंह, शुभम, सौरभ गौतम, आशुतोष बालमुकुंद, गौतम दिनेश द्विवेदी आदि कई पटवानी गण उपस्थित थे। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने सोमवार को अरनौद क्षेत्र का दौरा किया। अरनौद चिकित्सालय में ऑक्सीजन मशीन का शुभारंभ किया और चिकित्सालय परिसर में पौधारोपण किया गया। वहीं दलौट कस्बे में 33 KV GSS पर नवनिर्मित सहायक अभियंता कार्यालय का फीताकाट का उद्घाटन किया। विधायक ने कार्यकर्ताओं की आम सभा को भी संबोधित किया। विधायक ने कहा कि दलौट में सहायक अभियंता कार्यालय जाने से क्षेत्र के लोगों की बिजली संबंधी शिकायतों का शीघ्र निराकरण
हो सकेगा और उन्हें ट्रांसफार्मर इत्यादि लाने के लिए अब अरनौत प्रतापगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विधायक रामलाल मीणा का एसी इंद्रराज मैनारिया ने माला पहनाकर और पगड़ी बांधकर स्वागत किया। वहीं विधायक रामलाल मीणा ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और कहा कि आपने जिले की बिजली अव्यवस्थाओं को सुधारा है, इसी तरह आगे भी बिजली व्यवस्था में सुधार लाएं। उद्घाटन कार्यक्रम में दलौट तहसील क्षेत्र के विभिन्न गाँवों से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के लिए विधायक को प्रार्थना पत्र पेश किए। विधायक ने सभी ग्रामीणों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का विश्वास दिलाया। विधायक मीणा ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को जल्द से जल्द अरनौत से दलौट के बीच रोड पर गड्ढों को भरने की हिदायत दी। जब तक सड़क कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक रोड को दुरुस्त करने के लिए कहा। प्रतापगढ़ से पिपलौदा मध्य प्रदेश तक सड़क का कार्य करने वाले ठेकेदार को बरसात खत्म होने के बाद दलौट, अरनौत और प्रतापगढ़ में तीन अलग अलग से स्थानों पर अपने प्लांट लगवाकर सड़क को जल्द से जल्द जनता के लिए तैयार करने के लिए कहा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।